सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ विरार। काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन एकदम दिल्ली से मिलती है, द्वारका टाइप, बिल्कुल द्वारका ही लग रहा है। लेकिन द्वारका में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, बट मज़ा आ रहा है। तो मैं बाहर एक्सप्लोर करने आया हूँ, अंदर शूट चल रहा है। तो यहाँ पे नेटवर्क के अलावा सब कुछ आ रहा है, मतलब सब खाने पीने का मिल रहा है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा। और जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ खाने पीने का नहीं मिलता। तो कैश मेरे पास है नहीं, पेटीएम है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ यहाँ बाहर। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा द्वारका टाइप है, बस बिल्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो भाई, एकदम शानदार व्यू है। आप कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट रियलिटी में तो मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे एक अंदर क्लब टाइप का है, वहाँ पे शूट चल रहा है। मैं कंटिन्यू व्लॉग बना नहीं पा रहा क्योंकि फ़ोन की दिक्कत आ रही है। आई एम काइंड ऑफ गरीब, चार्जर नहीं है मेरे पास। ये है कुछ अंदर का व्यू, अंदर से भी मस्त है, बाहर से भी मस्त है, मस्त ही मस्त है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो सामने पहाड़ टाइप दिख रहे हैं, नैनीताल की याद आ गई। आए हाय है, ये देखो सेट वेट लगा हुआ है, सारा सामान बिक रहा हुआ है, अंदर एक शूट चल रहा है। और ये हमारी वैनिटीज़, और सामने है वो कॉस्ट्यूम बेस। आइए अंदर वैनिटी में चलते हैं। ये लड़कियों का है और आगे लड़कों का है। जा रहा हूँ। ये है अपनी वैनिटी, डोइंग डोइंग डोइंग। साइन हो चुके हैं कंप्लीट, अब कुछ और टाइम पास करते हैं यहाँ पे। हाय ब्रो, हाय, बिग फैन सर, बिग फैन, बिग फैन सर। अभी बिजी है फ़ोन चलाने में, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया हुआ है। आ स्माइल, ये कौन सी वाली है? कौन सी वाली? डेली अपडेट होती रहती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमें सुबह 8 बजे बुला लिया गया था, और 8 बजे कोई था नहीं, सेट वेट लग रहा था। तो 10 बजे तक हम लोग बैठे रहे, अभी एक शॉट लगा, शॉट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी भी हम टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई देखो, अब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं, अभी भाई चैटिंग कर रहे थे, अब कह रहे हैं कॉल पे मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये एक अपने एक और भाई है भाई, अरे डोले छोले, मैं डर गया। मैं वैसे जिम जाना चाहता हूँ, डेली सोचता हूँ जाऊँ जाऊँ, जा नहीं पा रहा। गाइस ये देखिए, सेट की फ्री चाय उड़ाई जा रही है, आज सुबह से चौथी चाय पी चुकी है। और चाय भी देखिए आप, बिल्कुल भरी हुई है ऊपर तक, कि बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। बी स्पेशल गाइस, ये हमारी बहुत अच्छी एक्टर हैं जो हमारे संग काम करती हैं, बट इन्हें एक्टिंग नहीं आती बस। ओह माय गॉड, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये आपकी कौन सी चाय है? चौथी पांचवी चाय है। इन्होंने 50 रुपये बचा लिए हैं आज के, अब ये इसकी FD करा देंगी। गाइस आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही आज, मतलब वैसे दिल्ली विल्ली में ठंड हो रही है, यूपी में ठंड हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। तुम नाला सुपारा रहती हो, तो वहाँ मौसम सही है? नाला सुपारा में ठंड है, बहुत सारा नाला है क्योंकि गाइस सही कहा भाई ने, वहाँ पे बहुत सारा नाला है, इसलिए वहाँ ठंड लगती है। और नाले की भीनी भीनी खुशबू आती रहती है वहाँ पे। आहा, पहला नशा। क्या कह रही है आप? इस कदर हमारे जगह को इंसल्ट नहीं, मतलब आप ये कहना चाहती हैं आप इस कदर हम आपके नाले की बुराई नहीं कर सकते? सही बोला नहीं बोला? सही, हाँ, हम आपके नाले की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट उसका नाम ही नाला सोपा रहा है। हाँ सर, काफी लोग आज बहुत ऊंचे किरदार करने के लिए, मतलब आप कहना चाहती हैं कि नाला सोपारा से निकल के काफी लोग अच्छे अच्छे एक्टर बन गए, तो इसका मतलब नाले की खुशबू में कुछ तो बात है। पहला नशा, पहला घुमा। आप कभी घूमने आइए, फिर देखिए नाला सोपारा है क्या। ये तो है, मेरे घर के पड़ोस में नाला है, जरूरत ही नहीं मुझे नाले में जाने की। नहीं कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। वैसे मुझे विरार अच्छा लगा, बट यहाँ नेटवर्क नहीं आता, बाकी ओवरऑल ठीक ही है। नाला सुपारा, मैं जाऊँगा नाला सुपारा। टेक टू एक्शन। मैं इतने अच्छे लोकेशन में रहती हूँ कि आपको प्यार हो जाएगा नाला सुपारा। प्यार हो जाएगा, अक्सर प्यार करने वाले धोखा देते हैं, क्या वो जगह ही मुझे धोखा देगी? कुछ भी प्यार करने वाले ही काटते हैं, ये दर्द आप नहीं समझेंगे। आज तो ये व्लॉग नहीं लग रहा, मुझे इंटरव्यू लग रहा है तेरा। हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत धोखा खाए। हाँ मैंने बहुत धोखे खाए हैं, सेब केले सब धोखे खाता हूँ। गाइस ये लड़की सुबह से वीडियो बनाने को परेशान है, लेकिन कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा। वहाँ गए, वहाँ पे हल्का फुल्का आ रहा है, उस साइड में गए वहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और बेचारी की वीडियो नहीं बन रही, इनके फैंस वेट कर रहे हैं, इनके 274 फॉलोवर वेट कर रहे हैं कि इनकी नई वीडियो कब आएगी। 274 है ना, पीछे अंकल पासिंग कर रहे हैं। वो जो गाइस सामने नैनीताल का पहाड़ लग रहा था, वो मंदिर है,
किसी दिन वहाँ का व्लॉग आएगा पक्का। और क्या व्यू है यार अंदर से। सुबह से कोई शॉट नहीं लगाया अभी तक, ब्रेक होने तक का टाइम आ गया, 2 बज गए हैं और अब बुला रहे हैं, अब जाते हैं। ओ वाओ क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। हेलो सेंटा गाइस, यहाँ पे जो शॉट था वो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पीछे हुआ था ये शॉट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं लंच करने, लंच करते हैं, आप लोग भी खाइए पीजिए ऐश करिए और देखते रहिए। गौर से देखिए, यही है वो इंसान। इंसान पीछे मुड़, इस आदमी की साथ साथ गर्लफ्रेंड है, ये सिर्फ शिफ्ट बना रखी है एक एक घंटे में। अरे चुम्मा भी दे रहा है। तो मेरी ऑडियंस में लड़कियां ज़्यादा नहीं है, कोई नहीं मिलने वाली तुझे, सब मिलेंगी। सो वी आर गोइंग फॉर लंच, और लंच करते हैं उसके बाद फिर से ऐश करेंगे। सो गाइस ये हो चुका है लंच टाइम, शाही पनीर विद दाल एंड राइस एंड पापड़ एंड रोटी एंड टमाटर एंड मी। एंजॉय ब्रो। सो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक पैकअप का कोई सीन नहीं है, अभी देखते हैं 1-2 घंटे और लग जाएंगे शायद। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, शानदार वेदर, कोई ठंड नहीं, आराम से गर्मी हो रही है, आराम से घूमो फिरो ऐश करो खाओ पियो। ठंड मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, जब घर पे होता हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ये मौसम परफेक्ट ऐसे ही होना चाहिए। गाइस यहाँ पे पूल का सीन हुआ था, फॉरेनर एक नहा रही थी आराम से, इसलिए आज से मैंने भी नहाना शुरू कर दिया है, मैं भी घर पे नहाया करूँगा। सो गाइस फाइनली रात के 9 बज चुके हैं, अभी तक पैकअप नहीं हुआ है। ये भाई सुबह बिल्कुल सूट वूट पहन के तैयार होके आए थे, अभी पहचान भी नहीं आ रहा है कौन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा एक और मित्र है, ब्रदर व्हाट्स योर नेम? बहुत थका जी, मेरा नाम सलमान है। बहुत थका सलमान भाई, बहुत थक गए, सीन में थे फॉरेनर लड़की के साथ, इन्होंने नहाते हुए देखा है पूरा सीन, पूरा सीन नहाते हो। हाँ ये एक बार आए पूरा पिकनी भी था क्या? ये तो म्यूट कर दूंगा। अरे ये देखो गंदी गंदी बातें पूछ रहे हैं, आपस में बातें चल रही है, कौन देखने गया था, लेकिन ये गए सलमान भाई देखने। नसीब खुल गया भाई, नसीब खुल गया। अभी देखो 9 बज गए, सुबह 4 बजे घर से निकले भाई, फिर हम कैसे कल सुबह फिर से 6 बजे जाए, 4 से लेकर रात तक बड़ा दर्द है। फायदा हो गया, मेरे को साले लेते नहीं है यार, गंदे बड़े गंदे लोग।